हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। टॉयलेट एक प्रेम कथा का फर्स्ट रिव्यू आ चुका है और ये रिव्यू आया है गल्फ न्यूज़ की तरफ से। और यूएई में जहाँ फिल्म रिलीज़ होती है हमेशा एक दिन पहले, तो वहाँ का ये रिव्यू है। मैं आपको बताता हूँ क्या एग्जैक्टली क्या इन्होंने बताया है। और ये वन ऑफ द फर्स्ट रिव्यूज़ है जो इस फिल्म का आया। अक्षय कुमार भूमि पेडनेकर सिंसियर इन देयर रोल्स बट गेट बॉग डाउन विद द प्रोपोगंडा मैसेज। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फिल्म बढ़िया है, अच्छा परफॉर्मेंस दिया दोनों एक्टर्स ने, अक्षय और भूमि ने, लेकिन जो एक मैसेज है उसकी तरफ आई थिंक ज़्यादा ध्यान देने की वजह से आई थिंक एक्टिंग थोड़ी बहुत इफेक्ट हुई है, ऐसा कहना है। और जहाँ तक कुछ चीज़ें मुझे लगता है आपको बताने की ज़रूरत है इस फिल्म के बारे में जो इन्होंने दी है, जैसे कि आपको ट्रेलर ही आपने जब देखा होगा तो उसमें ताजमहल का जिक्र होता है कि मुमताज़ के लिए ताजमहल तक बना दिया। और हम जो है हम कहीं ना कहीं एक संडास भी नहीं बना सके, राइट? ये ताजमहल वाला जो डायलॉग है आपने देखा हो, थोड़ा सा आई थिंक आगे पीछे हो रहा है, माफ़ करना। और उसके बाद थोड़ा सा अगर आगे बढ़ेंगे तो हमें आगे जो नज़र आएगा वो गुड फाइट इसमें बताया क्या कि गुड चीज़ें क्या है, अच्छी चीज़ें क्या है। द फिल्म स्टार्ट्स ऑन अ प्रॉमिसिंग नोट। वी सॉ ए राकेश केशव हु रन्स अ साइकिल स्टोर बफेलो विद द डायरेक्शन पियूष। अच्छा ठीक है, ये दिखा रहे कि वो बफेलो से उसकी शादी होती है, राइट? उसके कुछ नक्षत्र खराब रहते हैं अक्षय के, तो उसके पिताजी जो रहते हैं वो उसकी शादी एक बफेलो से करा देते हैं, भैंस से करा देते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो जो नारायण सिंह है ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के बारे में जानते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार से, बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने जो छोटी छोटी जो बेसिक चीज़ें देखी जाती है वो इस फिल्म में पिरोने की कोशिश की है। और जहाँ तक मैं इस रिव्यू को पढ़ रहा था वो रिव्यू के हिसाब से इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत स्मूथ है। देख सकते हैं फर्स्ट हाफ बहुत, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थी फर्स्ट हाफ बहुत स्मूथ है और सेकेंड हाफ वो थोड़ा सा गड़बड़ होता जा रहा है। माफ कीजिए, काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। सेकेंड हाफ थोड़ा सा कॉन्स्टिपिकेटेड है, कॉन्स्टिपिकेटेड है यानी फर्स्ट सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत कमियां है ऐसी दिखाई जा रही है। फिल्म काफ़ी बड़ी है, 1 घंटा 75 मिनट, आई मीन 175 मिनट्स की, यानी कि 2 घंटा 55 मिनट की इसमें फिल्म का टाइम बताया जाता है, तो ये थोड़ा सा आई थिंक बड़ी चीज़ है। तो आई थिंक एक अच्छी फिल्म है कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी उतना प्रोपोगंडा मैसेज की वजह से आई थिंक कम इसे रेटिंग मिली है। आप देख सकते हैं 175 मिनट्स कि फिल्म को जो रेटिंग मिली है 2.5 स्टार मिली है। तो देखते हैं किस तरह से लोग इस फिल्म को अपनाते हैं, नहीं ये तो देखने वाली बात है। बहरहाल हम यही कोशिश करेंगे ये फिल्म बढ़िया चले क्योंकि बॉलीवुड में कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को हमें मिल नहीं रहा है। तो आपकी क्या राय है टॉयलेट फिल्म का था मूवी के फर्स्ट रिव्यूज़ के बारे में जो आ चुके हैं अभी, आप ज़रूर बता सकते हैं। चलिए फिलहाल के इतना ही, बाय बाय।